वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम कवर करने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। सबसे पहले हम देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन को, देन हम समझेंगे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है। देन हमारे पास जो रिलेशन दिया गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने, हम उस मैथमेटिकल रिलेशनशिप को देखेंगे। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो चलिए अपने नोटबुक रेडी कर लीजिए, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चलो पहले समझोगे देन नोट करोगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, ए मूविंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज ए पार्टिकल हुज पोजीशन एंड मोमेंटम कुड बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। क्लासिकल मैकेनिक्स में बेसिकली हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को बताना हो कि इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है, या फिर उसके मोमेंटम को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना हो, मोमेंटम क्या है, पी इज इक्वल टू एम वी, तो ऐसा हम कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो एज ए पार्टिकल बिहेव कर रहा हो। आगे देखिए, बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ए मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज़ वेव एज वेल एज पार्टिकल करेक्टर whose precise position cannot be located because a wave is not located at a particular point, rather it extends in space। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि सर डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग कि जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं उनका ड्यूअल नेचर होता है, वो एज ए पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं और एक वेव करेक्टर भी शो करते हैं। तो डी ब्रोगली सर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल करेक्टर नहीं बल्कि वेव करेक्टर भी शो करेगा। इस वजह से उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली डिटरमाइन हम नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेस में वेव एक्सटेंडेड रहती है, उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली लोकेट करना कि वेव इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है ऐसा हम नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझे, बचपन में हम सब हाइड एंड सीख खेलते थे। अगर हाइड एंड सीख हम एक छोटे घर में खेल रहे हैं तो आपकी पोजीशन को डिटरमाइन करना ईजी रहेगा कि नहीं, लेकिन अगर आप एक बहुत बड़े घर में आप हाइड एंड सीख खेल रहे हैं जो कि एक स्पेस में एक्सटेंडेड है, तो आपकी पोजीशन को एक्यूरेटली बताना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक वही बात डी ब्रोगली सर ने कही है कि जो वेव है वो स्पेस में एक्सटेंडेड रहती है, तो उसे लोकेट करना कि एग्जैक्टली इस पोजीशन पर वेव होगी, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। और इलेक्ट्रॉन जब वेव करेक्टर शो कर रहा होगा तो हम उसकी पोजीशन को भी किस तरह बता सकते हैं एक्यूरेटली कि एग्जैक्टली इस पोजीशन पर होगा। ये बात यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में हुई है। आगे देखिए, to describe the character of a subatomic particle that behaves like a wave, Werner Heisenberg in 1927 formulated a principle known as Heisenberg's uncertainty principle। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जब वेव करेक्टर शो कर रहा होगा तो उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो सब अटोमिक पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन के इस करेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए जब वो एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, सर वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में एक प्रिंसिपल को फॉर्मुलेट किया जिसे हम जानते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से। क्या है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट? इससे पहले कि हम वो देखें आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या कहती है स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली बोथ द पोजिशन एज वेल एज मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट द सेम टाइम विथ सर्टेनिटी और एक्यूरेटली। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमें मूविंग पार्टिकल की पोजिशन को और मोमेंटम को, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, दैट वाई यहाँ पर वेलोसिटी भी यूज़ कर दिया गया है, तो अगर हमें पोजिशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली बताना हो, सेम टाइम पर बताना हो एक मूविंग पार्टिकल की, हम नहीं कर सकते। इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क, बिकॉज मान लो आपने पोजिशन को थोड़ा अच्छे से बता दिया, थोड़े कम अनसर्टेनिटी उसमें आई, तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी मोमेंटम में। अगर आपने मोमेंटम को थोड़ा कम अनसर्टेनिटी से बताया तो पोजीशन में ज़्यादा अनसर्टेनिटी आएगी, यानी साइमल्टेनियसली सेम टाइम पर दोनों को एक्यूरेटली हम नहीं डिटरमाइन कर सकते जब एक पार्टिकल मूव कर रहा होता है। ऐसा कहते हैं हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर? आगे देखते हैं मैथमेटिकल रिलेशनशिप।
ही also proposed a mathematical relationship for the uncertainty principle by relating the uncertainty in position with the uncertainty momentum which is given by. अभी हमने देखा कि पोजिशन में अनसर्टनिटी ज़्यादा आ जाएगी अगर मोमेंटम में कम अनसर्टनिटी है, मोमेंटम में अगर हमारे पास ज़्यादा अनसर्टनिटी है तो उधर कम अनसर्टनिटी हो जाएगी, यानी साइमल्टेनियसली नहीं हो पाएगा. तो इन पोजिशन और मोमेंटम में अनसर्टनिटीज को रिलेट करते हुए एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमारे पास हेजनबर्ग सर ने दिया जो है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई. डेल्टा एक्स है पोजिशन में अनसर्टनिटी, डेल्टा पी है मोमेंटम में अनसर्टनिटी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है एच अपॉन फोर पाई के. एच है यहाँ पर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. इसे मानेंगे आप इक्वेशन नंबर वन. आगे प्रोसीड करें इससे पहले आप इतना नोट कर लो. चलो अभी हमने देखा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल हो एच अपॉन फोर पाई के. जो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, डेल्टा पी किसके इक्वल आएगा, एम डेल्टा वी. डेल्टा एम क्यों नहीं, मास तो सेम रहेगा ना पार्टिकल का, वो थोड़ा ही चेंज होगा. तो यहाँ पर हम डेल्टा पी की जगह एम डेल्टा वी लिख सकते हैं. तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई. न्यूमेरिकल में ये रिलेशन बहुत हमारे काम आने वाला है. वे डेल्टा एक्स इज़ द अनसर्टनिटी और एरर इन द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, ये हमारी बात हो चुकी है. डेल्टा पी एंड डेल्टा वी आर द अनसर्टनिटीज इन इट्स मोमेंटम एंड वेलोसिटी एंड स्मॉल एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. अब इस इक्वेशन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं. दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी कैन आइदर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बट नेवर स्मॉलर देन एच अपॉन टू पाई, जो कि एक कॉन्स्टेंट है. दिख रहा है इक्वेशन से कि ये जो प्रोडक्ट है या तो एच अपॉन फोर पाई से बड़ा होगा या एच अपॉन फोर पाई के इक्वल होगा. यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्रिएट हो सकता है ना, मतलब कम हो स्मॉलर होगा या ट्रू एंड फॉल्स फॉर्मुलेट कर सकते हैं. मान लीजिए आपसे स्टेटमेंट दी गई कि इनका प्रोडक्ट लेस देन एच अपॉन फोर पाई होगा, फॉल्स है क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई होगा. आगे देखें. इफ डेल्टा एक्स इज मेजर्ड मोर प्रिसाइजली, दैट इज डेल्टा एक्स इज स्मॉल, डेल्टा एक्स क्या है पोजिशन में अनसर्टनिटी, देन देर इज लार्ज अनसर्टनिटी और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी इज लार्ज एंड वाइस वर्सा. ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने पोजिशन को कम अनसर्टनिटी के साथ बताया, यानी जो अनसर्टनिटी है एक्स में डेल्टा एक्स वो स्मॉल है, तो अनसर्टनिटी मोमेंटम में ज़्यादा हो जाएगी, डेल्टा पी लार्ज हो जाएगा. अगर उल्टा बोलें कि आपने डेल्टा पी को अच्छे तरीके से बताया, मतलब उसमें अनसर्टनिटी कम हुई, तो पोजिशन में अनसर्टनिटी आ जाएगी, जो कि यहाँ वाइस वर्सा लिखा है. क्लियर? तो आप इतना नोट करें, देन हम आगे बढ़ते हैं. चलिए अभी तक हमने जो हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल देखा उसे हम समअप करने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. क्लियर? हमें उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करना है एग्जैक्टली. तो हम क्या करते हैं, उस पर लाइट स्ट्राइक करवाते हैं. जब लाइट के फोटोन उस ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करेंगे तो फोटोन रिफ्लेक्ट होंगे, जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे. यह है रिफ्लेक्टेड फोटोन, यह है इंसिडेंट फोटोन. अब अगर ऑब्जेक्ट बहुत भारी हुआ, आप ही बताओ, जब उसके साथ फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो वो अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं करेगा, उसकी वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा. यानी यहाँ पर हमने उसकी वेलोसिटी और पोजीशन को एग्जैक्टली डिटरमाइन कर लिया जब वो बहुत भारी है. लेकिन अगर डियर बात करें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉन, जब लाइट के फोटोन इसके साथ स्ट्राइक करेंगे तो इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी. यानी हम दोनों को एग्जैक्टली नहीं डिटरमाइन कर सकते. इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एग्जैक्टली नहीं डिटरमाइन कर सकते, क्योंकि मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी. तो यहाँ तक जो चीज़ अभी तक हमने समझी उसका एक समअप लगा लीजिए. क्लियर? चाहे तो इसे ड्रॉ कर सकते हैं, अच्छा इम्पैक्ट लगेगा. तो चलो आप इतना नोट करो. तो चलो अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं. पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, कैलकुलेट द अनसर्टनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ़ द अनसर्टनिटी इन इट्स पोजीशन इज़ वन एंगस्ट्रॉम. आपको वेलोसिटी में अनसर्टनिटी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन की, पोजीशन में अनसर्टनिटी गिवन है. वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, नहीं होगा तो यार डिस्कस करेंगे ही. कर लिया ट्राई? तो चलो सबसे पहले जो गिवन है वो देखते हैं. हमें अनसर्टनिटी इन पोजीशन गिवन है, जो है डेल्टा एक्स इज इक्वल वन एंगस्ट्रॉम, डेल्टा
10 की पावर जो कि इक्वल होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के। अब हमें फॉर्मूला पता है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एच है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एम होगा इलेक्ट्रॉन का मास, गिवन भी रह सकता है अदरवाइज आपको याद कर लो, यही बेटर रहेगा। तो मास है हम प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। उसके बाद हमें फॉर्मूला पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी होता है एम डेल्टा वी के इक्वल आ गया एच अपॉन 4 पाई के। हमें कैलकुलेट क्या करना है पोजिशन में अनसर्टनिटी को, यानी डेल्टा एक्स को, बाकी सब हमारे पास है। वैल्यू पुट करो, हमें वेलोसिटी में अनसर्टनिटी डिटरमाइन करनी है। डेल्टा वी आ गया एच अपॉन 4 पाई इंटू, या डिनोमिनेटर में चला गया एम इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हमारे पास है, एम है, पाई की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, सब कुछ रखा। तो यहाँ से कैलकुलेशन के बाद हमारे पास अनसर्टनिटी आ जाएगी वेलोसिटी में 5.77 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? तो इसे नोट करो, देन हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द अनसर्टनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बार हमें पोजीशन में अनसर्टनिटी कैलकुलेट करनी है। इफ़ अनसर्टनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज 0.0001%, गिवन है इलेक्ट्रॉन का मास और वेलोसिटी गिवन है। जो जो गिवन है उसे लिखते हैं। गिवन है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। हमें h की भी जरूरत पड़ेगी। h है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या गिवन है? वेलोसिटी में अनसर्टनिटी गिवन है। इतना परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। इतना परसेंट किसका? वेलोसिटी का। वेलोसिटी की इतनी गिवन है 300 मीटर पर सेकेंड। द अनसर्टनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.0001%, यानी 0. यहाँ से डेसिमल हटेगा क्योंकि हम नहीं सॉरी 0.0001 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 300। अब यहाँ से देखो, थोड़ा से डेसिमल जब हटाएंगे नीचे क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 10 नीचे 10 की पावर 4 आ जाएगा। 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, साथ में 3 इंटू 10 की पावर 2 मेरे पास है ही, तो 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 हट गया, ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, इन्हें 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, वेलोसिटी में अनसर्टनिटी। कैलकुलेट क्या करना है पोजीशन में अनसर्टनिटी को, कैसे करेंगे? हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल से डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, बाकी सब है, डिनोमिनेटर में ले आओ एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी। वैल्यू पुट करेंगे, एच की रखी 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। मास हमें गिवन है वो रख दिया। अनसर्टनिटी इन वेलोसिटी अभी कैलकुलेट किया, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। जब आप इसे सोल्व कर लेंगे, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, तो आ जाएगा 1.92 इंटू 10 की पावर माइनस 1 मीटर, या अगर इसे नीचे लेके जाएंगे तो 0.192 मीटर। ये आ गई अनसर्टनिटी इन पोजिशन। तो डियर, इट इज़ ऑल अबाउट हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। एक बार समाप्त करें अगर हमने क्या किया, आज हमारा टॉपिक था हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। सबसे पहले हम उनके इंट्रोडक्शन पर गए, बेसिकली वहाँ पर एक तरीके से हमें समझ आया कि ज़रूरत क्या पड़ी हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल की। उसके बाद हमने उसकी स्टेटमेंट को देखा, देन हमें इस प्रिंसिपल से एक मैथमेटिक रिलेशनशिप मिली थी, उसे हमने समझा, और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए। तो चलिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।